अनंत चतुर्दशी के दिन मैंने खीर, सिंपल दो तहिया रोटी और बिल्कुल सादा आलू की सब्जी बनाई है। तो यहाँ पे मैंने 2 लीटर दूध उबलने के लिए रख दिया है। इसे मैं ये सेवई खीर प्रीमियम मिक्स बनाऊंगी। ये बाज़ार में बहुत इजीली मिल जाता है। इसमें सारे ड्राई फ्रूट, चीनी, इलायची, सेवई सब कुछ डला होता है। आपको ऊपर से किसी भी चीज़ की को डालने की ज़रूरत नहीं है। 1 लीटर दूध में आप 1 पैकेट डालें। यहाँ पे मैंने 2 लीटर दूध उबाला है तो मैं 2 पैकेट डाल रही हूँ। और इसमें मैं 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ, जिससे कि ये सेवई बहुत ही अच्छी बनेगी। और इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। दूध को उबलते हुए 15 मिनट हो गया है, तो अब ये सारे सेवई का मिक्सचर हम इसमें डाल देंगे और इसको उबलने के लिए रख देंगे। आलू की सब्ज़ी बिल्कुल सादा बनाएंगे, तो तेल में मैंने जीरा डाला है। 5 मैंने उबले हुए आलू लिए हैं। इसको काट के इसमें मैंने हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, नमक, हरी मिर्च बारीक काट के, 1 इंच अदरक को ग्रेट करके, सभी चीज़ों को मैंने आलू में डाल के और आलू के कुटके को अच्छे से भून लिया है। अब इसके साथ 2 तहिया रोटी बनाएंगे। तो देखिए सेवई बन के तैयार है। अभी ठंडी होने पर ये और भी गाढ़ी होगी। तो सिंपल आटे की 2 लोई ले लें, जितनी बड़ी आप रोटी के लिए लोई लेते हैं, और हल्का सा लोई को चपटा करके दोनों साइड में अच्छे से घी लगा दें। जिस साइड घी लगा है उसको आपस में अच्छे से चिपका दें और रोटी की तरह पतला बेल लें। ये बहुत आसानी से एक एक रोटी अलग हो जाता है। इसको गैस की फ्लेम पे नहीं सेकना है, इसको तवे पे ही सेकना है। तो जब दोनों साइड से अच्छे से सिक जाए, तो आप कपड़े से दबा दबा के दोनों साइड से अच्छे से इस रोटी को सेक लें। और देखिए कितना आसानी से ये दोनों रोटी अलग हो गया है। ये रुमाली रोटी से भी ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। दोनों साइड अच्छे से देसी घी लगा दें और इसको सर्व कर दे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिंपल आलू की सब्जी, ये खीर बिल्कुल रबड़ी की तरह बना है। देखिए ठंडा होने पे ये बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। और बिल्कुल सिंपल आलू की मैंने बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनाई है। और आप देख सकते हैं कि ये 2 तहिया रोटी कितनी सॉफ्ट है। अगर ये आप अगले दिन भी खाते हैं तो ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। झटपट से बनने वाली और बहुत ही आसान सी रेसिपी है।